श्री शिव नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष का शनिवार है। लेकिन पितृपक्ष का शनिवार बहुत ही ज्यादा खास होता है। आज का जो वीडियो है, यह आपको पितृपक्ष में यानी कि 16 श्राद्ध में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। एवं पितृपक्ष का शनिवार इसलिए खास होता है क्योंकि पितृपक्ष में जो पितरों होते हैं वो जब धरती पर आते हैं दक्षिण दिशा से, तो उनका जो निवास होता है वो पीपल के वृक्ष के वहां पर होता है। तो शनिवार का दिन इसलिए विशेष होता है और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं। इससे हमारे घर में धन समृद्धि भी बढ़ती है और हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शनि प्रदोष का महत्व होता है, शनि अमावस्या का महत्व होता है, शनि पूर्णिमा का महत्व होता है, उसी प्रकार से शनिवार की एकादशी का महत्व होता है, तो उसी प्रकार से पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष का शनिवार भी बेहद खास माना जाता है। एक शनिवार का दिन होता है पितृपक्ष का और एक शनि अमावस्या का दिन होता है। यह दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। कल है पितृपक्ष का शनिवार और पितृपक्ष के शनिवार पर आपको ये उपाय करना है। लेकिन जब हम पितरों को याद करते हैं ना तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की समस्याओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में साक्षात कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, यानी कि भगवान नारायण का रूप है पीपल। जब शनिवार के दिन आप पीपल का दर्शन करते हैं तो केवल एक वृक्ष का दर्शन नहीं करते हैं, आप साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। वो पीपल के पेड़ में आपको पितृपक्ष में एक विशेष चीज जाननी है। 16 श्राद्ध में सभी दिन कर सकते हैं, लेकिन केवल रविवार का दिन छोड़ करके आगे या बाद में अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, पीपल का वृक्ष है वो कितना पुण्य उदय वाला है। वह हमारे जीवन से काल सर्प दोष दूर कर देता है, शनि दोष दूर कर देता है, पितृ दोष दूर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे एक विशेष चीज रख करके आना है और आपके पितृ प्रसन्न होकर रहेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल धर्मलोक को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय आपको कल के दिन आपको करना है। देखो कैसे करना है, पूरी विधि ध्यान से समझना। अगर आपके घर के आसपास पीपल का ऐसा पुराना जो वृक्ष होता है, जो पूजनीय वृक्ष होता है, वहां पर आपको ये उपाय करना है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा पेड़ मिल जाता है पीपल का जहां पर नीचे शिवलिंग हो जो कि पिपलेश्वर महादेव कहलाते हैं, अगर ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहां पर आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपको बात समझ में, पूजनीय वृक्ष होना चाहिए, वहीं पर आप ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना है एक दीपक। जब भी हम पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं तो उसके अंदर हम तिल का तेल डालते हैं, या तो हम घी डालते हैं, या तो आप तिल का तेल ले लीजिए या तो घी डाल दीजिए। और पितरों के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जो दीपक आप लगाओगे ना वो लंबी बात का दीपक होना चाहिए। अभी आपको बाद में तो आपको लंबी बाती का प्रयोग इसमें करना है।
ठीक है, लंबी बाती का प्रयोग आर्टिगा दीपक भी बना सकते हैं। माटी का लेना चाहते हैं तो माटी का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आटे का बना रहे ना तो बिना नमक का आटा और आटे का दीपक जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। पितृपक्ष में अगर आपके घर के आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं, तो हो सके तो आपको आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बना लिया, साथ में आपने उसके अंदर घी या तेल डाल दिया। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल के दाने कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल के दाने शनि दोष को दूर करते हैं। काले तिल के दाने पितृदोष को भी दूर करते हैं, तो काले तिल भी आपको लेना है। 11 दाने आपको काले तिल के लेना है। साथ में आपको लेना है स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा और जल मिला देना है और उसके अंदर आपको काले तिल डालना है। थोड़ा से ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ये सारी सामग्री लेना है और पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको ये उपाय करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये उपाय अगर आप दिन में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की तेज से आप सूर्य की रोशनी में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये ना तो स्टील का लोटा ले जाने की जरूरत है, ना तो आपको तांबे का लोटा लेकर जाने की जरूरत है, केवल एक दीपक लेकर जाना। देखो समझना कैसे करना है। सुबह जा रहे हो ना तो सबसे पहले आपको कच्चा दूध जिसके अंदर काले तिल डाले हैं वो आपको अर्पित करना है। दक्षिण मुखी योग करके, दक्षिण मुखी करके सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना और उसके बाद ओम पितृदेव नमः का जाप करना। तीन तीन बार जाप कर लेना तीनों के, और आपको एक कच्चा दूध आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल अर्पित करना है। अब आप जो दीपक लेकर आए हैं, दीपक को आपको दक्षिण मुखी होकर के दक्षिण मुखी होना चाहिए। दीपक का मुख भी एक पितृपक्ष में पितर दक्षिण दिशा से ही आते हैं, इसीलिए दक्षिण मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष की जड़ में और उसके बाद ओम पितृदेव डायनेमो का आपको जाप करना है। तीन बार आप जाप कर लेना और उसके बाद पीपल की आपको परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है और पीपल के वृक्ष को अंत में, जिसे आप पीपल की परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, ओम पितृदेव ताई नम का जाप कर सकते हो, और अंत में पीपल के वृक्ष को आपको छूना है और आपकी जो भी समस्याएं आपके पितरों को बोलना है, यह मेरी जीवन की समस्या है, यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय करते हो तो केवल आपको दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको काले तिल डालना है और ओम पितृ देवता का जाप करते हुए आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं तो, लेकिन अगर ये उपाय आप शनिवार के दिन नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है? क्रिया तो बिल्कुल यही रहेगी, रविवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। अगर सोमवार मंगलवार जब भी कर रहे हो क्रिया यही रहेगी, बस आपको पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श नहीं करना है।
अभी आपको बेसन में बस इतना सा उपाय करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये हो गया पहला उपाय, पितृदोष दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। ये पहला और दूसरा उपाय जो है आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है समझना। आपको एक पत्ता लेना है, पीपल का पत्ता ले लीजिए या तो पान का पत्ता ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से एक लेना है। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको बताया, पीपल का पत्ता टी के साथ में आपको घर में आज के दिन शनिवार के दिन तेल की जो पूरी पूरी आपको बनानी है, पूरी के साथ में आपको लेना है। गुड़ और गुड़ के साथ में आपको लेना है, काले तिल के काले तिल भी ले सकते हैं या आपको नमकीन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काले तिल या नमकीन आप ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज लेना है। अब आपको ये लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में अगर आप ये उपाय करते हैं ना तो आपके पितरों को भोग लग जाता है, तो आपके जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, पितृपक्ष में किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। कल शनिवार के दिन करना चाहे तो कल भी कर सकते हो, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। और रविवार के दिन छोड़ करके ये आपको ले जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, पीपल के वृक्ष में दक्षिणमुखी होकर के आपको बैठ जाना है, पीपल का पत्ता रखना, चिकने वाला साइड पर होना चाहिए, उसी के ऊपर एक पूरी रख देना, उसी के ऊपर गुड़ रख देना, उसी के ऊपर काले तिल रख देना और इसे भोग के रूप में आपको रखकर क्या जाना है, आपका पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब आप रखोगे तब आपको नाम और गोत्र बोलना है, नाम और गोत्र बोल करके और आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं विशेषकर वो दूर हो ऐसी कामना करते हुए ये उपाय कर रहता है। ये भी उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है और बहुत ही आसान उपाय है। तो आज के इस पूरे वीडियो में दो उपाय के बारे में हमने आपको बताया, दोनों उपाय भी एक साथ आप कर सकते हैं। क्रिया यही रहेगी, बस इतना सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्य, हर हर महादेव।